नमस्कार। मोदी सरकार के दो साल पूरे हो रहे हैं और ये मौका है पीछे मुड़कर देखने का कि इन दो सालों में सरकार ने क्या कुछ किया है। अगर हम बात आज कृषि की करें तो कृषि क्षेत्र पर और किसान के कल्याण पर मोदी सरकार का विशेष जोर रहा है, विशेष फोकस रहा है। और कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ काम हुआ है इन दो सालों में, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है राधा मोहन जी। तो आपके ऊपर तो दोहरी जिम्मेदारी है, कृषि के साथ साथ किसान का कल्याण। कुल मिलाकर इन दो सालों में किस तरह से आप देख रहे हैं कृषि और किसान के कल्याण में सरकार के प्रयासों को? देखिए, पहले तो कृषि विकास की योजनाएं देश में चलती रही है और आज भी चल रही है, लेकिन किसान का कल्याण हो इस दृष्टि से मिशन मोड में काम करने का मूड शायद नहीं रहा होगा। और इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदुस्तान का किसान एक प्रकार से चक्रव्यूह में फंस गया। और इसीलिए मोदी सरकार आने के बाद सबसे जो पहली प्रतिबद्धता हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताई कि इस देश को यदि आगे ले जाना है, मजबूत बनाना है, तो गांव को और किसान को मजबूत बनाना पड़ेगा। और इस दृष्टि से आपने हमारे बजट में भी देखा है कि, और इसके पहले भी सरकार बनते ही हमने कई ऐसी योजनाएं चलाई जिससे किसानों का भला हो। अगर उदाहरण के रूप में हम बताएं तो आज़ादी के 67 वर्ष तक देश के हर खेत को पानी नहीं पहुंच सका। प्रधानमंत्री जी ने ग्राम सिंचाई योजना की शुरुआत की और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सभी राज्य के अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया 1-1.5 वर्ष तक, और अब सभी राज्यों के अंदर सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान बनना शुरू हो गया है। 300 से ज्यादा जिलों के इरिगेशन प्लान बन चुके हैं और सितंबर तक सभी जिलों के बन जाएंगे कि गांव के शुरू से अंत तक पानी कैसे पहुंचे। और इसके लिए बजट में भी भारी बढ़ोतरी की गई है इस बार। और देश के अंदर 89 तो बड़ी परियोजना है जो 20-25 वर्षों से लंबित थे, प्रधानमंत्री जी ने पहल की है और अलग से उसके लिए 12,700 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। 20,000 करोड़ का नाबार्ड के माध्यम से कॉर्पस फंड बनाया गया है और सरकार का लक्ष्य है कि 18 तक हम 40 परियोजनाओं को पूरा करें। ये 89 परियोजना पूरी होगी उस दिन 80 लाख हेक्टेयर जमीन को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। तो मिशन मोड में हर खेत को पानी, इस पर सरकार ने काम शुरू किया है। काम पहले होना चाहिए था इस देश में, विलम्ब हुआ और थोड़ा उसका नुकसान आज हो रहा है। आज जो भी विसंगतियां हैं, निश्चित रूप से जो हमने पहले कर्तव्य दिखाए हैं उसमें जो कमी रह गई उसका एक परिणाम है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो पहल की है और जो एक अभी काम शुरू हुआ है, इसके परिणाम आने वाले समय में दिखाई देंगे। जी, किसान को हम अन्नदाता कहते हैं और हम सब जानते हैं 49% जनता सीधे तौर पर कृषि से जुड़ी है और 68% जो है इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। इतनी बड़ी जनता के भविष्य का सवाल है, उसके वर्तमान का सवाल है, पूरे देश का वो पेट भरता है। ये बताइए कि वो अक्सर संकटों में घिरा रहता है, उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या कुछ खास प्रयास सरकार ने किए? आपने कहा कि 5 साल में आप उसकी आय दोगुनी कर देंगे। देखिए, आमदनी बढ़ाने के लिए तो सबसे जो पहली जरूरत है कि उत्पादन बढ़े। तो खेत को पानी नहीं, तो उसके संबंध में मैंने आपको बताया कि हर खेत को पानी देने का मिशन मोड में काम शुरू किया है और धन का भी आवंटन शुरू किया है। दूसरा, उसका इनपुट कॉस्ट कम हो। अब हमारे सरकार आने के पहले आप देखते होंगे कि यूरिया के लिए देश में हाहाकार मचता था, भारी कीमत चुकानी पड़ती थी किसानों को, लाठियां खानी पड़ती थी, हवाई फायरिंग होते थे, यूरिया ब्लैक मार्केटिंग में मिलता था। यूरिया का जो उत्पादन होता था तो ये जो केमिकल फैक्ट्रीज थे उसमें 30% यूरिया चला जाता था। किसानों को सब्सिडी रेट पर यूरिया किसान को मिले इसके लिए कंपनियों को पैसा दिया जाता था और वहां से उत्पादन होने के बाद 30% यूरिया केमिकल फैक्ट्रियों में जाता था। इसका परिणाम यह था कि भारी कीमत किसान को चुकाना पड़ता था, इनपुट कॉस्ट ज्यादा लगता था। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबको नीम कोटेड करो, और आपने देखा होगा कि 1 वर्ष के अंदर सरकार ने नीम कोटेड एरिया कर दिया। अब इस देश में जो भी उत्पादन होता है या बाहर से आ रहा है, सब नीम कोटेड यूरिया जा रहा है और उसका परिणाम यह है कि 30% दुरुपयोग रुक गया और कम जो निर्धारित मूल्य है, सब्सिडी मूल्य है, उस पर किसानों को मिल रहा है। और 100 किलो यूरिया का जहां प्रयोग करते थे तो अब 90 किलो से काम चल जाता है। तो एक तो इनपुट
कॉस्ट कम करने के लिए सबसे बड़ा कदम सरकार ने उठाया। दूसरा कि किसान को पता नहीं है कि हमारे खेत में कौन सी बीमारी, हमारे पास जो जोत है, जमीन है, कौन सी बीमारी है, कितनी कौन सी दवा देनी है, कितना उसको भोजन यानी कौन सा फर्टिलाइजर कितना देना है, पता नहीं उसको। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के 14 करोड़ किसानों को हम सॉयल हेल्थ कार्ड देंगे। राज्यों को पहले सॉयल हेल्थ कार्ड के लिए पैसे नहीं जाते थे, 300 करोड़ की राशि गई और परिणाम आज ये है कि ये जो पहला 15-16 का वर्ष था, 4,75,00,000 किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड देने के नमूने आ गए, टेस्ट होके बंट रहे हैं। और इस 16-17 में 17 मार्च तक देश के 14 करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड मिलेगा, तो उससे उसका इनपुट कॉस्ट कम होगा। तीसरा, जैविक खेती। अब जैविक खेती राज्य सरकारें कुछ पहल करती थी लेकिन भारत सरकार के पास कोई योजना नहीं थी। हमारी सरकार ने आते परंपरागत कृषि विकास योजना चलाई और पहले वर्ष में 300 करोड़ रुपया दिया, दूसरे वर्ष में 300 करोड़ रुपया दिया है, अभी इस वर्ष आवंटन किया है और ये तय किया कि 10,000 क्लस्टर बनाएंगे और मुझे खुशी है 3 साल के अंदर इसको विकसित करने का है तो 7,000 से ज्यादा क्लस्टर बन गए हैं। तो जैविक खेती, तो इनपुट कॉस्ट कम, उत्पादन बढ़े और लागत कम हो, ये दो महत्वपूर्ण विषय है जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। तीसरा, कटाई के बाद, उत्पादन के बाद और खपत, इसके बीच में जो नुकसान होता है वो 5-25% होता है, फल और सब्जियों का, अनाज का भी 10% तक होता है। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने कोल्ड चेन डेवलप करने का बड़ी तेजी से देश के अंदर काम शुरू किया है। चौथा जो विषय है वो है वैल्यू एडिशन। अब आप कल्पना करिए कि किसान गांव में मिर्चा का उत्पादन करता है और सीधे यदि मिर्चा बिकता है उसका तो कम कीमत मिलता है, लेकिन यदि उसी गांव में मिनी प्रोसेसिंग प्लांट आ जाए, उसका पाउडर बने, अच्छा पैकेजिंग हो, तो फिर उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो वैल्यू एडिशन, और इसके लिए एफपीओ का निर्माण बड़ी तेजी से देश में किया जा रहा है और प्रोसेसिंग स्टार्टअप इंडिया आप देखें जी जी, और इससे बहुत बड़ा लोगों को इसमें योगदान मिलेगा कि गांव में, सुदूर गांव में भी इस प्रकार के वैल्यू एडिशन के काम। और सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि किसानों का संतरा रोड पर नागपुर के अंदर फेंका रहता था, प्रधानमंत्री जी ने पहल की और जितनी कंपनियां हैं जो पेयजल बनाती है उनके लिए आवश्यक किया है कि 5% जो फल है उसके रस को उसमें डाले। और महाराष्ट्र की सरकार ने कोका कोला के साथ समझौता किया है और इसका परिणाम दिखाई दे रहा है, किसानों को अच्छा कीमत मिलेगा। फिर इसी तरह से जो एलाइड सेक्टर है, अब जैसे मछली की खेती, मखाने की खेती, मधुमक्खी पालन, इसी तरह से आपको पशुपालन, तो ये जो सेक्टर है इस पर हम जोर दे रहे हैं जी। ब्लू रिवोल्यूशन मान नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, इसको तेज करने का सरकार ने काम शुरू किया है। और मधुमक्खी पालन, फिर इसी प्रकार से मखाने की खेती, माने एलाइड सेक्टर के काम को तेज कर रहा। बानकी, अच्छा, बानकी के द्वारा किसानों की आमदनी हो सकती है। मेर पर पेड़, पहली बार बानकी योजना भारत सरकार ने प्रारंभ किया जी। राधा मोहन जी, ये तमाम चीजें आपने हमें बताई और एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हम बात करेंगे कि कृषि में तकनीक के विकास के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। हमारे साथ आज कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन जी मौजूद हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो सरकार का जोर मुख्य तौर पर यह है कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े, कैसे उसको संपन्नता दी जाए, और इसी के बारे में आज हम बात भी कर रहे हैं। हमारे साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह जी मौजूद हैं। राधा मोहन जी, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि कृषि के विकास के साथ परंपरागत कृषि और तमाम एलाइड सेक्टर्स में आप प्रयास कर रहे हैं कि आमदनी बढ़े, लेकिन एक सबसे बड़ी जो इसमें जरूरत है वो है टेक्नोलॉजी की, तकनीक की, उसको हम किसानों से कैसे जोड़ें, ये सबसे बड़ी जरूरत है। इसके लिए क्या कुछ 2 साल में प्रयास? देखिए, आपके ध्यान में होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान की बात की थी। और उस समय गुजरात में एक मुख्यमंत्री थे
और उन्होंने ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग एग्रीकल्चर के सेक्टर में शुरू किया और उसका परिणाम ये हुआ कि देश में कृषि विकास दर देश का 4% भी नहीं था और वहाँ 12% कृषि विकास दर। देश का सौभाग्य है कि वही व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। प्रधानमंत्री बनते सबसे पहला काम उन्होंने किया कि अंग्रेजों ने स्थापित किया था 1904 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, चार में वो बिहार के पूसा में था, 34 के बाद उसको नई दिल्ली पूसा में लाया गया। लेकिन आजादी के इतने वर्ष बाद, ये गुलामी के दिनों की बात जी, आजादी के 67 वर्ष के बाद जब प्रधानमंत्री आए बने नरेंद्र भाई मोदी, तो दूसरा कोई संस्थान नहीं देश में। तुरंत उन्होंने घोषणा की कि ऐसा दो संस्थान, और एक रांची में बनना शुरू हुआ है, दूसरा आसाम में बनने का है। और किसानों को उच्च पैदावार के बीज रोपण सामग्री प्राप्त। आपको आश्चर्य होगा कि अभी तक 250 से ज्यादा सूखा और वर्षा रोधी बीज किसानों के बीच गए। सबसे ज्यादा सूखा था 1516 में, 1415 में सूखा था, 1516 में ज्यादा सूखा था। देश के जो कृषि वैज्ञानिक हैं, राज्यों के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, राज्य सरकार, कृषि विज्ञान केंद्र, सबने सम्मिलित प्रयास करके 1516 में 1415 से ज्यादा सूखा था। तो ऐसे नए किस्में बीजों के निकाले और किसानों के बीच गया। इसका परिणाम हुआ कि जो द्वितीय अग्रिम अनुमान आया है तो गत वर्ष की तुलना में इस बार उत्पादन ज्यादा होगा। इसी तरह से देश के अंदर ये जो 643 कृषि विज्ञान केंद्र है, और उनकी हालत बहुत खराब थी, कहीं पर वैज्ञानिक नहीं, उनके रहने का घर नहीं, ये जो नई टेक्नोलॉजी है उसका उसमें प्रदर्शन नहीं, तो 3000 करोड़ का प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट से उसके लिए अनुमोदन किया। और मुझे खुशी हो रही इस बात को कहते हुए कि देश के सभी 643 कृषि विज्ञान केंद्रों में ऐसी स्थिति आ गई आज कि 400 से ज़्यादा कृषि विज्ञान केंद्रों में वैज्ञानिकों ने ये सॉयल हेल्थ कार्ड, इस पर किसानों के बीच जागरूकता लाने का, सॉयल टेस्ट करने का, फिर विज्ञान नहीं, ये जो सॉयल हेल्थ लेबोरेटरी होता है इसका एक मिनी किट का भी इजाद कर दिया। अभी पहली बार एक मिनी पोर्टेबल जो अब गांव की ओर जा रहा है किसानों के खेतों की मिट्टी लेकर मोबाइल रूप से, एक पोर्टेबल है वो। तो विज्ञान है कृषि में, बिना विज्ञान के, बिना नई टेक्नोलॉजी के जो चुनौतियां हैं उसका हम सामना नहीं कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से हमने कॉलेजों की भी संख्या बढ़ाई है, एग्रीकल्चर कॉलेज की संख्या, नए कॉलेज खोलने का भी, यूनिवर्सिटी भी हमने बढ़ाया है। झांसी में हमारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर का वो चालू हो जाएगा, और पूसा जो बिहार का एक, जहाँ पर पहले AICR था, तो उसको भी भारत सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया है और इस बजट में वो पास हो जाएगा और वहाँ जो यूनिवर्सिटी हो केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिणित हो जाएगा। राधा मोहन जी, एक जो बहुत बड़ा कदम आपने उठाया है वो है कि ई मंडियों से किस प्रकार से पूरा किसानों को जोड़ा जाए, जिससे उनके विपणन में भी फायदा हो और किसान को भी लाभ हो, उसको ज्यादा कीमत मिल सके। ये बताइए कि ये जो आपने अभी योजना शुरू की है, इसके परिणाम आपको क्या लगता है कब तक आएंगे और क्या कुछ इसका रिस्पॉन्स रहा है किसानों का? ये जो मंडी कानून है ये राज्य सरकारें बनाती है, और 2005-06 में देश के सभी राज्यों की कृषि मंत्रियों की बैठक हुई थी। उसके बाद लगातार बैठ के चलती रही, कानून बदलें, क्या क्या करें। अब ये 2006-07 की कहानी है और लगातार चलता रहा, कोई परिणाम नहीं निकला। जब हमारी सरकार आई तो प्रधानमंत्री जी ने पहल की, और पहल करने के बाद हम राज्यों के साथ लगातार संपर्क में रहे, 3-4 बैठकें भी हमने की, फिर भी बहुत असर इसका नहीं हुआ। लेकिन कर्नाटक के अंदर जब येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ई मार्केटिंग, ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाने का शुरुआत किया था। दूसरी सरकार आई उसने भी अच्छा काम किया, तो देश के सभी कृषि मंत्रियों को और मार्केटिंग सेक्रेटरी को हम वहाँ ले गए और सबको दिखाने के बाद हमने राज्यों से 3 आग्रह किए।
कि आप तीन प्रकार के कानून में बदलाव करिए। और तीन प्रकार के कानून में बदलाव इसलिए कि देश का किसान आज किसी मंडी में जाता है तो जो लाइसेंसी है तो हर मार्केट के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना है उसका। एक ही राज्य में यदि 10 मार्केट है तो 10 लाइसेंस लेना है, एक ही राज्य में 10-20 मार्केट है तो वो ले भी सब में देना है, अंत में वो भी उपभोक्ता पर आता है। और तीसरा आग्रह किया कि ई ट्रेडिंग की इजाजत कानून में प्रावधान करिए। तो ऐसा करने से 17 राज्यों ने सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फी का नियम बना दिया, अपने कानून में परिवर्तन किया। फिर 15 राज्यों ने सिंगल यूनिफाइड लाइसेंस का प्रावधान कर दिया और 12 राज्यों ने 365 मंडियों का प्रस्ताव हमारे पास भेज दिया। हम मंडियों को 30 लाख रुपया अलग से देते हैं और एक आईटी का इंजीनियर देते हैं जो वहाँ काम करेगा। और ये पूरे देश में, यदि केरल को छोड़ दें, बिहार को छोड़ दें जहाँ कोई मंडी कानून नहीं है और पंजाब ने सहमति नहीं दी है, इन सैद्धांतिक रूप से सभी राज्यों ने सहमति दी और 365 मंडियों के प्रस्ताव भी आ गए। और हमने हम सबको पैसा देना शुरू किया है, आईटी के इंजीनियर देना शुरू किया है। और 14 अप्रैल को हमने प्रधानमंत्री जी ने लगभग 8 राज्यों के 21 मार्केट जो बन के तैयार हो गए थे, जो सरकारों ने नियम में परिवर्तन किया और फिर हमने जो राशि दी तो उसमें ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन गया, तो 21 मार्केट को हमने जोड़ दिया है। अब इसका लाभ यह है कि मंडी में अब किसान जब जाएगा या जाता है, अभी पायलट प्रयोग कर रहे हैं, कुछ विसंगतियां होगी तो आगे भी दूर करेंगे। इसका बहुत लाभ यह है कि मार्केट में जब किसान जाएगा तो पहले जो लाइसेंसी होता था वो जो कीमत बताता था उसी पर उसको मजबूरी में बेचना पड़ता था। अब ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में वहाँ बोर्ड पर अन्य मंडियों में भी उसके सामान की क्या कीमत वो दिखाई देता है। दूसरा, यदि बीट होता है उसका तो दूसरे मंडी में बैठा हुआ भी लाइसेंस से उसको खरीद सकता है। दूसरा, पहले जो किसान अपना सामान ले जाता था तो लाइसेंसी जो था वो कहता था तुम्हारा क्वालिटी खराब है, ये है वो है। अब बजाबते सब में लैब बन रहा है, जिस प्रोसेस से गुजर रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। अब वो जो लाइसेंसी है वो अड़हतिया नहीं तय करेंगे, अब विज्ञान तय करेगा। तो इसके कारण किसानों को अच्छा मूल्य मिलेगा, स्पर्धा होगी। ये पायलट प्रयोग हमने 21 में किया है और राज्यों ने यदि सहयोग किया तो हम 17 के अंत तक ही देश के 585 बड़ी मंडियों को जोड़ देंगे। हम कृषि मंत्री के साथ हैं, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं और तुरंत हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। 2 साल मोदी सरकार, और इन 2 सालों में एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में और किसानों के भले और कल्याण के लिए क्या कुछ किया है सरकार ने, आज इसी के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हमारे साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह जी मौजूद हैं। राधा मोहन जी, कहते हैं कि दुनिया में और भारत में विशेष तौर पर एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा काम जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है वो है कृषि। तमाम तरह के संकटों से हमारा किसान घिरता है, हर वक्त घिरता है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें इतना रिस्क हो। ये बताइए कि उसे रिस्क से बचाने के लिए आपने क्या कुछ कदम उठाए हैं। देखिए, देश में लगातार 2 वर्षों से में बहुत कम वर्षा हुई है और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अप्रैल 15 में ही भारतीय मौसम विभाग द्वारा मानसून के बारे में जो भविष्यवाणी की गई, फौरन बाद उसके हमने राज्य सरकारों के सहयोग से सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए तेजी के साथ बहुआयामी कार्यक्रम हमने शुरू किया। कुछ कार्यक्रम ग्रामीण पेयजल मंत्रालय के द्वारा, कुछ जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, ये जो आपदा के मानक थे राहत के, उसका नॉर्म्स बहुत कम था। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये नहीं चलेगा, कि 50% नुकसान होगा उसी को दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने उसको बदला कि 33% तक नुकसान होगा तो उसको भी मिलेगा और 1.5 गुना मिलेगा। तो आपदा के मानकों में परिवर्तन किया। दूसरा, कि राज्यों को जो पैसे जाते थे राज्य आपदा कोष में, हमारी सरकार आने के पहले 5 वर्षों में 33,000 करोड़ रुपए गए थे 5 वर्षों। प्रधानमंत्री जी ने अगले 5 वर्ष के लिए उसको 61,000 कर दिया, दुगने की वृद्धि।
इसी प्रकार से ये राज्य आपदा कोष में जो उनके पैसे होते हैं उसके खर्चा होने के बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा कोष के नॉर्म्स के मुताबिक राज्य सरकार भारत सरकार से पैसा मांगती रही है शुरू से। तो हमने देखा कि 10, 11, 12, 13, 14 चार वर्षों में राज्यों ने राष्ट्रीय आपदा कोष से 1,00,000 करोड़ रुपये की मांग की थी और मिला था उसको 12,000 करोड़। हमारी सरकार आई, मानकों में हमने परिवर्तन किया तो 14-15 में राज्यों ने मांग किया 40,000 करोड़ रुपये, उसको दिया 9,000 करोड़ रुपये और इस वर्ष अभी तक 13,700 करोड़ रुपया दे चुके हैं। माने राज्यों को हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं। और एक उदाहरण हम बताते हैं, माने उत्तर प्रदेश का भी उदाहरण लीजिएगा तो हमारी सरकार आने के पहले 9-10 में भयंकर सूखा था, फिर 9-10 के अलावे तीसरे वर्ष में भी उनके यहाँ आपदा आई थी तो उनको कुल मिला था भारत सरकार की ओर से मुश्किल से हम समझते हैं कि उनकी राशि का जो हमको अंदाज है लगभग 1,500-2,000 करोड़ रुपया दिया हूँ मिला होगा 1,400-1,500 करोड़ रुपया। हमारी सरकार आई है तो हमने दिया है 4,200 करोड़ 1,500 रुपये। तो कुल मिला जुला कर राज्यों को पूरा मदद कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है जरूर कि जैसे बुंदेलखंड मराठवाड़ा इसके पहले इतनी राशि गई जल प्रबंधन का काम ठीक से नहीं। तो इस सरकार ने आपदा राहत में मानकों में परिवर्तन करके राज्यों को अधिक पैसा देना शुरू किया, राज्य आपदा कोष में भी और एनडीआरएफ से भी हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं 2 वर्षों के अंदर। लेकिन ये है राहत, लेकिन किसान का जो उत्पादन लागत है 30,000 रुपया तो राहत क्या मिलता है उसको 10,000, 8,000, 5,000, 12,000 तो ये मरहम है। तो वास्तविकता ये थी कि उनका जो उत्पादन लागत है उसकी पूरी भरपाई होनी चाहिए नुकसान के साथ। कितने हजारों परिवार समाप्त हो गए क्योंकि उनको उत्पादन का नुकसान का पूरा भरपाई नहीं होता था। इसके लिए देश में एक बीमा योजना थी, फसल बीमा योजना, और फसल बीमा योजना की हालत ये थी कि उसमें प्रीमियम किसान को ज़्यादा देना पड़ता था, हर जिला हर फसल के लिए अलग अलग प्रीमियम था और एक कैपिंग था, राज खजाने से ज्यादा पैसा न देना पड़े इसलिए उस पॉलिसी में कैपिंग था। और इसके कारण यदि 30,000 का नुकसान हुआ तो 15,000 मिलेंगे, 12,000 मिलेंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पहल की और एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अभी लाया गया है जो अभी एक खरीफ से शुरू हो रहा है। और इसके अंदर प्रीमियम का दर पूरे देश में रबी के लिए 1.5% और खरीफ के लिए 2% किया गया, माने सबसे कम प्रीमियम। और जो कैपिंग था वो हटा दिया गया, अब चाहे जितना बोझ पड़े राज खजाने पर राज खजाने से उसकी भरपाई की जाएगी, लेकिन किसान का जितना भी नुकसान होगा भरपाई की जाएगी। और दूसरी जो बात हुई इसमें सबसे बड़ी बात कि कटाई के बाद यदि आपदा आई खेत में फसल पड़ा हुआ है तो उसका बीमा का पैसा नहीं मिलता था तो उसका भी अब बीमा कंपनी को पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो जितनी विसंगतियां थी उसको दूर करके ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया गया है। और हम आग्रह करते हैं राज्य सरकारों से कि किसानों के लिए आजादी के बाद की सबसे बड़ी ये योजना है, ये अधिक से अधिक किसान इसमें जुड़े, हम भी प्रयत्न कर रहे हैं और राज्य सरकार को भी प्रयत्न करना चाहिए। राधामोहन जी बताइए आखिर में संक्षेप में, खासतौर से जो हमारा भूमिहीन किसान है, छोटा किसान है या गरीब किसान है, उसके लिए खासतौर पर क्या प्रयास इस प्रकार की किए जा रहे हैं जिससे वो भी इस प्रगति में शामिल हो? देखिए ये 2006-07 से ये जो भूमिहीन किसान है उनका ज्वाइंट लेबिलिटी ग्रुप बनाना, उनको कर्जा देना कि वो खेती करें। हमारी जब सरकार आई तो देखा कि 6,00,000 ग्रुप 6-7 वर्षों के अंदर बनाए गए, 2 वर्षों के अंदर हमने 7,00,000 ग्रुप बनाए और 7,00,000 ग्रुप में हर ग्रुप को लगभग 1,00,000 रुपये की राशि मिलती है। तो इस दिशा में सरकार ने बड़ी तेजी के साथ कदम उठाया है और बड़े पैमाने पर ज्वाइंट लेबिलिटी ग्रुप बनाकर उनको फिनांस किया जा रहा है ताकि वो खेती के काम में पूंजी के अभाव में
न रह जाए और खेती में भी प्रगति हो, माने उत्पादन भी हमारा बढ़े। जी राधा मोहन जी, चलते चलते एक वाक्य में अगर आप बता सकें भविष्य की क्या योजना है कृषि? भविष्य की हमारी योजना है कि किसानों खेत का उत्पादन बढ़ाना, उत्पादक लागत कम करना और अच्छा मूल्य दिलाना, और कटाई के बाद जो फसलों का नुकसान होता है अनाज का, फल सब्जियों का, उसको कम करना, और कृषि से संबद्ध एलाइड सेक्टर है जिसमें आमदनी की ज्यादा गुंजाइश है, मत्स्य की, डेयरी, इसको बढ़ावा देना, ये हमारे भविष्य की योजना है। राधा मोहन जी, उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भी आपकी योजनाएं इसी प्रकार से कार्यान्वित होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। चलिए, धन्यवाद।